एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप करना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए हम सबसे पहले बालों को गीला कर लेंगे और अपने बालों को फोर सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे और सेंटर पार्टिंग कर लेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कोई डिग्री वगैरह का इतना कोई नहीं, मैंने नहीं बताया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग स्टेप कट कर सकते हैं। इसमें मैंने बालों को सिर्फ फोर सेक्शन में डिवाइड किया है इस तरीके से। और सबसे पहले हम जो अपना नेप एरिया है उससे थोड़े से बाल लेंगे, और ताकि हम अपनी गाइडलाइन क्रिएट कर सकें कि हमारी कितनी लंबी लेंथ है बालों की और हमें उसमें से कितना हमें कट करना है हेयर को। तो इनके बाल मीडियम लॉन्ग हैं, इसमें से मैंने लगभग दो से तीन इंच का हेयर कट किया है नीचे से और अपनी गाइडलाइन क्रिएट की है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर की का हेयर कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो नेप एरिया पर बाल छोड़े हैं उसके सेंटर से बाल लेंगे थोड़े से और उसको कट कर देंगे। अब बीच वाले हिस्सों को हम दोनों जो साइड के बाल हमारे हैं उसमें डिवाइड कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कट कर देंगे। ये हमारी गाइडलाइन क्रिएट हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर के बालों को कट कर देंगे। ये हमारी गाइडलाइन बन गई है। अब मैं सारे बालों को खोल लेती हूँ ऊपर से इस तरीके से और दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। टू पार्टीशन कर लेंगे बालों का। ये हेयर कट सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं किए हैं मैंने इसमें। बस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गाइडलाइन क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमें यह पता रहे कि हमें बालों की लेंथ कितनी रखनी है। अब मैंने क्या किया, जो हमने नीचे से गाइडलाइन बनाई थी वो मैंने, ये दिख रही है, इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्स्ट्रा बाल है वो कट कर देंगे इस तरीके से। जब तक गाइडलाइन ना दिखाई दे हेयर कट नहीं करेंगे, अच्छे से गाइडलाइन दिख जाए तभी हेयर कट करेंगे। अच्छे से कॉम करेंगे ताकि हमारा कोई बाल छोटा बड़ा ना रह जाए, और उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे स्टेप्स आ गए इसमें। बस इस कट में हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी लेंथ है बालों की, उसमें से पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितनी लेंथ रखनी है बालों की और गाइडलाइन क्रिएट कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो मैंने फोर सेक्शन बताए हैं उसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरीके से बालों को ऊपर उठा लिया है, लगभग 90 डिग्री से ज़्यादा ही है ये। इस तरीके से जब तक हमें गाइडलाइन ना दिखाई दे तब तक नहीं कट करेंगे। गाइडलाइन जो हमने नेप एरिया पर बनाई थी उसे इसी में मिक्स करके चेक करते हुए हेयर कट करेंगे। अच्छे से कॉम करते जाएंगे, रूट से कॉम करेंगे ताकि हमारा कोई भी बाल छोटा बड़ा ना रह जाए। और ये इस तरीके से देखिए, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इस हेयर कट में और बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये हमारा बैक के स्टेप्स हो गए हैं। अब हम फ्रंट वाले सेक्शन को खोलेंगे और फ्रंट वाले सेक्शन में भी हम लोग इसी तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन हम गाइडलाइन जो है पीछे से लेंगे। थोड़े से बाल मैंने पीछे से इसमें मिक्स कर लिए हैं ताकि हमें गाइडलाइन पता लग जाए कि हमें कितना हेयर कट करना है। ये दिख रही है, जो भी हमारा उस गाइडलाइन से एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर देंगे। ये हमारा साइड से हो गया और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी फॉलो करेंगे। पीछे से गाइडलाइन लेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने दूसरी तरफ लिया है। इस तरीके से ये दिख रही है गाइडलाइन हमारी, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कट कर देंगे। ये हमारा फाइनल हो गया है हेयर कट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ईयर टू ईयर पार्टीशन हमने किया था उसको दोबारा से निकाल लेंगे ताकि हमें लेज़र कट दे सके सामने से, अच्छा सा लुक आ जाए फिनिशिंग के साथ। पीछे वाले बालों को सेपरेट कर देंगे और सामने वाले बालों, फ्रंट वाले बालों को इस तरीके से डायगोनल कट कर देंगे। इस तरीके से कॉम को भी तिरछा करते हुए हेयर कट कर देंगे ताकि हमारा जो एक अच्छा सा शेप आ जाए बालों में फ्रंट से। दोनों साइड से उसी तरीके से करेंगे और अच्छे से चेक करते जाएंगे बार बार कॉम करके। जिस तरीके से हम लोग लेज़र कट करते हैं उसी तरीके से करना है। दोनों साइड से
इक्वल करेंगे और दूसरी तरफ से भी मैं उसी तरीके से फॉलो करूँगी जिस तरीके से मैंने उधर किया है। सारे बालों को सामने लेकर आएंगे नोज के सामने और एकदम तिरछा कट कर देंगे। अच्छे से कॉम करेंगे बालों को और डायगनल कॉम को भी डायगनल रखेंगे और फिंगर्स को भी, और इस तरीके से कट कर देंगे। बहुत ही अच्छा हेयर लुक आ जाएगा, ये हमारा फाइनल लुक हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स कितना प्यारा लुक आएगा, ये फाइनल हो गया और मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।